हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पे। और जितने लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मई में जो आपका एग्ज़ाम है टेंटेटिव, उसका जो है हमारा एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे जो है आप जो है डाउनलोड करिए। वेदाश्री लर्निंग ऐप है आपकी, और उसमें जो है आपका कोर्स परचेस कीजिए और अपनी तैयारियों में लग जाइए। तो आज जो मैं आपका टॉपिक लाया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री से, ब्रिटिश एरा से, 1857 1857 की क्रांति। बेसिकली जो क्रांति होती है उसमें हमेशा जो है कोई इमीडिएट कॉज नहीं होता है कि मंगल पांडे का हम नाम लेते हैं कि शुरुआत वहाँ से हुई है, बल्कि शुरुआत बहुत पहले से होती है। चीज़ें बहुत पहले से बिल्ट होती हैं, अचानक लास्ट में एक स्पार्क लगता है तो एकदम पिकअप हो जाती है कहानी। तो इसमें जो है हम कुछ कॉजेज जो हैं उस पर बात करेंगे। तो पहला जो है आपका मिलिट्री कॉज है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे, पहले आपको मैं बुलेट पॉइंट बता दूँ सारे। पहला आपका मिलिट्री कॉज है, दूसरा आपका पॉलिटिकल कॉज है, तीसरा इकोनॉमिक, चौथा आपका सोशियो रिलीजियस, और उसके बाद आपका इमीडिएट कॉज है। और इसमें जो है आपका मिलिट्री कॉज जो है, इसमें आपको पता है कि जो ब्रिटिश आर्मी होती थी इंडिया में, उसमें इंडियन लोगों को भी जो है वो रिक्रूट करते थे। तो उसमें होता क्या था कि उस समय ब्रिटिश जो अपनी कॉलोनीज़ बनाती थी इंडिया में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, अलग अलग जगह पर जो है अपनी कॉलोनी बनाती थी। तो जो हमारे इंडियंस होते थे उनको ओवरसीज़ उधर भेजती थी, और उनको उतने फ़ायदे नहीं मिलते थे जितने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मिलते थे या ब्रिटिश रिक्रूट को मिलते थे। तो हमको जो इंडियंस होते थे जो ब्रिटिश में रिक्रूट होते थे, उनको ज़्यादातर वो फॉरेन भेज देते थे, और उनको कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं मिलती थी उनकी। तो उसमें उनको दिक्कत होना शुरू हुई थी, ये क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अकबर के टाइम पे आ गई थी 1600 में, उसके बाद जहांगीर के टाइम में भी, और उसके बाद आपका उन्होंने फैक्ट्री बनाई। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मुगल ये कमज़ोर होते गए, ये अपना उनके ऊपर शिकंजा जो है दबाते चले गए। तो इसमें पहला कॉज तो मैंने आपको बता दिया कि जो ब्रिटिश के अंदर इंडियंस होते थे उनको फ़ौरन भेजते थे डेपुटेशन में बहुत ज़्यादा, और उसके बाद उनकी जो सैलरी होती थी, एक ब्रिटिश जो आर्मी होती थी उसके अंदर जो ब्रिटिशर होता था और जो इंडियन होता था सेम रैंक पे, उनकी अलग अलग सैलरी होती थी। तो उसमें भी दिक्कत आना शुरू हो गई थी, क्योंकि एक ही पोजीशन, एक ही पोस्ट, एक ही काम और सैलरी अलग अलग। और उसके बाद आपका जो यूरोपियन सोल्जर होते थे उनको काफ़ी हद तक स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल जो है उनको प्रमोशन वगैरह सब कुछ मिलता था उनके काम पे, और हमारे जो सोल्जर होते थे उनको सूबेदार रैंक से ऊपर जो है प्रमोट नहीं करते थे। उसके अलग अलग रीज़न थे, उनको डर था कि शायद ये हमारे लिए उतना काम ना आए, तो वो हमारे ऊपर सप्रेशन बना के रखते थे अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स के थ्रू। तो ये आपका मेनली है मिलिट्री कॉज में। उसके बाद आपका आता है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में दो बहुत अच्छे टर्म है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी। इसमें आपका बेसिकली क्या होता था, आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है था आपका, ये लाया गया था डलहौजी के टाइम पर। डलहौजी वायसराय, डलहौजी इस टाइम पर वायसराय था, और इस टाइम पर इसको लाया गया था। इसमें क्या होता था कि कोई अगर कुनबा है, कोई प्रोविंस है, उसमें अगर लास्ट किंग है, उसके बाद कोई किंग नहीं बचा है, तो करते क्या थे कि उस इलाके पे अंग्रेज़ कब्जा कर लेते थे। शर्त ये थी कि वो जो है आपका किंग, उसके बाद कोई किंग ना हो, और उसने अगर कोई बच्चा अडॉप्ट किया है तो उस बच्चे को अंग्रेज ये कहते थे कि ये राजा नहीं कहा जाएगा, इसको हम पेंशन देंगे, मंथली पेंशन बांध देते थे, और वो जो है उसको राजा का दर्जा नहीं दिया जाता था। और तीसरा मिस एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई हमारा राजपाट जो है हम अच्छे से संभाल नहीं रहे हैं, तो उसमें जो है ले लेते थे। तो ये दो मेन कॉजेस थे, एक तो अडॉप्टेड सन उसको मानते नहीं थे, और दूसरा सबसे आसान तरीका मिस एडमिनिस्ट्रेशन का, जो है उसमें उंगली उठा दी और वो सिस्टम जो है उन्होंने अपने अंडर वो राज्य कर लिया। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो नाना साहब जो थे आपके, इज़ द अडॉप्टेड सन, वो जो है गोद लिए बच्चे थे पेशवा बाजीराव के। तो इसमें जो है उन्होंने उस इलाके को जो है कब्ज़ा किया था। तो सबसे पहला जो इलाका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर जो इनको मिला था वो सतारा मिला था। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि पहला इलाका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू कौन सा इलाका अंग्रेज़ों ने लिया। तो सबसे पहला इलाका सतारा, दूसरा झांसी, नागपुर, संबलपुर। उसके बाद जो मिस एडमिनिस्ट्रेशन जो आता है उसमें जो सबसे पहला इलाका जो आपका लिया था वो अवध लिया था। तो ये बहुत क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू, पहला इलाका कौन सा लिया गया, सतारा, और मिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो है अवध लिया गया। उसके बाद अगली जो थी आपकी, इससे भी थोड़ी खतरनाक पॉलिसी इन्होंने बनाई थी, सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, या ये बोलते थे नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी, 1798 वेलेसली, इस समय वायसराय जो था वेलेसली था। इस समय पे बेसिकली होता क्या था आपका कि एक कमज़ोर राज्य होता था,
तो जो कमजोर राज्य होता था उसको डर था अपने पड़ोसी ताकतवर राज्य से या जो दूसरा आपका ताकतवर राज्य है कि भाई वो मुझ पर अटैक कर देगा, मेरे इलाके को कब्जा कर लेगा। पहले इसी का डर रहता था, पहले लड़ाई कब्जा करो जमीन ग्रहण करो यही चलता था। तो अंग्रेजों को पूरे इलाके के बारे में काफ़ी टाइम से वो रह रहे थे, 1600 से रह रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी 1608। तो उसके बाद हुआ क्या कि उनको पता लग गया कि ये इलाका कमज़ोर है, ये इलाका तगड़ा है, तो जो भी जैसा है तो कमज़ोर वाले के पास जाते थे कि हम आपको अपनी आर्मी का सपोर्ट देंगे। और उनकी आर्मी उस समय काफ़ी एडवांस थी, तो उस राजा को लगता था हाँ मेरे पास ये आर्मी का सपोर्ट है, अब मेरे ऊपर जो मेरा पड़ोसी राज्य है वो अटैक नहीं करेगा। तो इन्होंने सपोर्ट ले लिया भाई ब्रिटिश आर्मी का, ब्रिटिश आर्मी ने ओपनली सपोर्ट कर दिया कि हाँ भाई आपके प्रोविंस को हमारा सपोर्ट है। बदले में भाई फ्री में सपोर्ट कोई करता नहीं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। तो चाहिए क्या? आपके राज्य में एंट्री, मेरे को आपके राज्य में एंट्री चाहिए और मुझे वहाँ पे सब्सिडी चाहिए, मुझे टैक्स में छूट चाहिए अपना व्यापार करने के लिए और अपनी मिलिट्री खड़ी करने के लिए। तो मेरे घर में उन्होंने मिलिट्री खड़ी करी मेरे ही पैसे से और बाद में मेरे ही घर पर कब्ज़ा कर लिया। तो ये कहानी थी अंग्रेज़ों की। तो पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस में जो पहला राज्य आया था, पहला उस समय राज्य बोलेंगे, आज के टाइम में तो छोटा सा इलाका है, तो सब्सिडियरी अलायंस नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी में जो सबसे पहला इलाका इन्होंने लिया या वो इस इलाके ने अपने आप को इनको बुलाया, तो निज़ाम हैदराबाद सब्सिडियरी अलायंस में हैदराबाद, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्लैप में सतारा। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज जो है इसमें आपका बेसिकली क्या हुआ था कि टैक्स पूरे के पूरे हिंदुस्तान को तीन टैक्स में इन्होंने बांट दिया था। टैक्सेशन सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोला जाता है, जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम। तो आपका जो जमींदारी सिस्टम था, आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ बंगाल, बंगाल उड़ीसा का जो इलाका था, आप तो वेस्ट बंगाल और आपका वो आपका बांग्लादेश बन गया, उसको भी इसमें लिया जाता था। तो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इसमें जो था उस समय पे आपका, जो मैं वायसराय बता रहा हूँ ये भी ध्यान रखिएगा, वायसराय परमानेंट सेटलमेंट में कौन था? कॉर्नवालिस। सब्सिडियरी अलायंस में वेलेसली और उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी, ठीक है। उसके बाद इसमें करते क्या थे ये लोग कि आपका एक ज़मींदार इलाके का जो है पकड़ लिया कि हाँ भाई ये हमारा ज़मींदार है और उसकी ज़मीन पर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, तू भाई हमको इस पूरे इलाके का टैक्स इकट्ठा करके देगा। एक ज़मींदार अपॉइंट कर दिया, उसके ज़मीन का टैक्स छोड़ दिया, तेरे टैक्स हम नहीं लेंगे और पूरे इलाके का टैक्स इकट्ठा करके तू हमको देगा। तो ये आपका था बंगाल, आसाम और इस उड़ीसा वाले इलाके में, यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम थी, परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस वायसराय। उसके बाद आपका आता है रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी में क्या था कि वन बाई वन एक किसान पूरे इलाके में, जो जितने भी किसान हैं, तो वन बाई वन ब्रिटिशर्स के पास जाते थे और अपना जो है टैक्स देते थे, इंडिविजुअल टैक्स जो होता था। तो रैयतवाड़ी सिस्टम ये स्टार्ट हुआ था मद्रास, पहला इलाका जो था साउथ इंडिया में शुरुआत हुआ था मद्रास, फिर आ गया बॉम्बे, आज मुंबई बोलते हैं, तो मद्रास पहला, उसके बाद मुंबई। और ये जो शुरू करा था इसके पीछे दिमाग किसका था? चार्ल्स रीड और थॉमस मुनरो। चार्ल्स रीड, थॉमस मुनरो, ये किसका था? रैयतवाड़ी में। और ज़मींदारी में किसका था? कॉर्नवालिस। और ये चार्ल्स रीड और थॉमस मुनरो ये वायसराय नहीं थे, इनका दिमाग था, ये अंग्रेज थे, ठीक है, ऑफिसर्स थे ये। उसके बाद आपका आता है महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम आपने लगान मूवी देखी होगी, पूरे का पूरा गांव, पूरे का पूरा कुनबा इलाका वो इकट्ठा टैक्स देता था। तो ये आपका आता था महलवाड़ी में। और इसमें जो है आपका 1833 में जो आपका महलवाड़ी सिस्टम में था, आपका वायसराय कौन था? बेंडिक, विलियम बेंडिक। और ये पूरे का पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, आपका परमानेंट सेटलमेंट उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल वाला इलाका, साउथ इंडिया मुंबई, ये आपका आ गया किस में? आ गया रैयतवाड़ी सिस्टम में। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया किस में आ गया आपका? ये आ गया महलवाड़ी सिस्टम। मैं फिर से बता देता हूँ, परमानेंट सेटलमेंट में एक ज़मींदार अपॉइंट कर दिया, उसके ज़मीन का टैक्स छोड़ दिया, वो पूरे इलाके का टैक्स ला के अंग्रेज़ों को देगा, ख़त्म। रैयतवाड़ी सिस्टम में जो है आपका क्या होता था, इसमें इंडिविजुअल किसान जाके अपना अपना टैक्स देगा, ख़त्म। उसके बाद महलवाड़ी में पूरे का पूरा इलाका जो है कलेक्टिव टैक्स देगा, ये ख़त्म। उसके बाद महलवाड़ी, विलियम बेंडिक वायसराय, परमानेंट कॉर्नवालिस, और उसके बाद आपका रैयतवाड़ी में दो अंग्रेज ऑफिसर जिनका दिमाग था इसके पीछे, चार्ल्स रीड और थॉमस मुनरो। उसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक कॉजेज में अगला जो है टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी क्या थी कि जो हमारा इंडियन गुड्स था उसको ये डिस्क्रिमिनेट करते थे, उस पर टैक्स ज़्यादा लगाते थे कि वो माल कम बिके, उस पर टैक्स ज़्यादा लगा, सस्ते में ख़रीदा महंगे में टैक्स लगा दिया,
कि वो माल कम बिके तो फ़ायदा कम हो और हमारा माल ज़्यादा बिके, अंग्रेज़ों का माल जो है ज़्यादा बिके। उसके बाद आपका इन्होंने पूरी की पूरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हाथ से काम होता था, उसको पूरे का पूरा तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। टैक्स सिस्टम बढ़ा बढ़ा के पूरे का पूरा हैंडीक्राफ्ट ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से, तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, बेरोजगारी आ गई। उसके बाद आपका सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस कॉजेस जो है आपका, इसके अंदर क्या था, एंटी सती रिजोल्यूशन, विडो रीमैरिज एक्ट और कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी में ये बदल देते थे। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि सती रिजोल्यूशन, एंटी सती रिजोल्यूशन क्या था कि जब हस्बैंड मर जाता था तो वाइफ को जिंदा जला देते थे, तो ये सिस्टम बेकार था, बहुत बेकार सिस्टम था। और इसमें जो है आपका एंटी सती रिजोल्यूशन जो है आपका 1829 में आया था, इसमें आपका वायसराय कौन था, बेंडिक, विलियम बेंडिक वायसराय था, और इंडियन जिनका काफ़ी अच्छा इसमें सहयोग था और इसको हटवाया था, राजा राम मोहन राय। ब्रह्मो समाज किसने बनाया, राजा राम मोहन राय, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो उसके बाद आपका एंटी सती रिजोल्यूशन 1929, इंडियन कौन था, राजा राम मोहन राय, और उस समय वायसराय कौन था, विलियम बेंडिक। उसके बाद आपका आता है विडो रीमैरिज, जब आपका एंटी सती रिजोल्यूशन आ गया, तो रिजोल्यूशन आ गया, तो उसके बाद जो विधवा थी उसका विडो रीमैरिज एक्ट आया, वो कब आया, 1856 में, डलहौजी के टाइम पे आया। उसके बाद आपका देखिए इसमें और सोशल रिलीजियस कॉजेज में क्या था आपका, उसमें ये था आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, काले गोरों का जो भेदभाव था ना, अंग्रेज गोरे थे, हिंदुस्तान ब्राउन ब्लैक मिक्स वेराइटी थी, तो उसमें ये क्या करते थे कि भेदभाव बहुत ज़्यादा करते थे, और उस भेदभाव में भी बहुत दिक्कतें आईं, वो भी एक पंप हुआ। उसके बाद आप देखिए क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी में बदल देते थे, बहुत से जो हैं लोगों को लालच देके जबरन जबरदस्ती किसी भी तरह से क्रिश्चियनिटी में बदल देते थे, तो ये भी दिक्कत आई। उसके बाद आप देखिए अगला कॉज क्या था, अगला कॉज आपका था इमीडिएट कॉज, मतलब ये तो पंप होते रहे, बरसों से भरते रहे, पिछले 100 साल 150 साल से भरते रहे। उसके बाद जो एकदम इमीडिएट कॉज था वो क्या था, वो था आपका कार्ट्रेज, जो उस समय एनफील्ड राइफल थी उसके अंदर जो गोली थी वो छील के डाल देते, तो उस समय रूमर फैल गया था कि इसमें गाय और सुअर, जो पिग और काव है, उसका मांस इसमें मिला हुआ है, तो हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों इस पे जो है आपका भड़क गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कॉज माना जाता था इमीडिएट कॉज में। उसके बाद आपका आता है अदर कॉजेस की, मतलब कुछ अदर मिसलेनियस कॉज भी होते हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। तो उसमें अदर कॉजेस में क्या आता था कि जब अंग्रेज आने लग गए धीरे धीरे, तो होने क्या लग गया, अंग्रेजों से पहले कई सौ साल जो है मुस्लिम्स ने राज किया था, तो मुस्लिम की धीरे धीरे गद्दी खिसकने लग गई, तो जो एलीट पोजीशन थी, टॉप पोजीशन थी आपकी आर्मी की, जुडिशरी की, सिविल सर्विसेज की, वहाँ से मुस्लिम हटने लग गए और अंग्रेज़ों को भरा जाने लग गया। तो उसमें मुस्लिमों को जो है अंदर ही अंदर उनको भी ये भीतरघात करती गई चीज़ें कि ये चीज़ें बदल रही हैं, तो किसी को भी दिक्कत होगी, भाई मेरी कुर्सी जा रही है, किसी की भी कुर्सी जाए दर्द तो हो गई, तो कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। और उसके बाद अगला रीज़न ये था कि मुस्लिम्स ने इंडिया में पर्शियन लैंग्वेज जो है लगाई थी, तो उसको हटा के अंग्रेज़ों ने इंग्लिश कर दिया, तो मुस्लिम इस रिवॉल्ट में ओपनली कूदे थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि हम पुराना सिस्टम जो है मुग़ल एरा फिर से वापस ले आएंगे। तो उसके बाद जो है ये सारे कॉजेज मिले और लास्ट में फिर ये क्रांति कब शुरू हुई, 29 मार्च 1857, मंगल पांडे, इस पे जो है हम आगे बात करेंगे, यहाँ से जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इसमें आप क्या चीज़ें जो है नई जानना चाहते हैं, इस पे हमको बताइए और इस पे हम जो है ऐड करेंगे। थैंक यू।